है और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव पूरा भारत देश मनाता है, हर एक कोने में मनाया जाता है अपने अपने तरीके से। इसी प्रकार आज यहाँ हम हैं मीरा भाईंदर में, जहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया है सुरेश पुरोहित और निरंजन गौर की तरफ से, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे महिलाएं आए हैं अपने अपने वेशभूषा में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, जहाँ पे विशेष यहाँ पे प्रमुख उपस्थिति के तौर पे मीरा भाईंदर की आमदार गीता जैन, भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि व्यास व नगर सेवक नीला सोच और विजय राय आए हुए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो आमदार है गीता जैन, राजस्थान के गीतों पर उन्होंने डांस भी किया और उन्होंने क्या कहा इस कार्यक्रम को लेके, आइए बात करते हैं क्या कहना उनका। लेकिन राजस्थान की ये परंपरा है, घर में बच्चा जब भी पैदा होता है तो 5-6 दिन तक गीत गाए जाते हैं, नाचा जाता है और बधाइयाँ ली दी जाती है। इसलिए ये उसी की कड़ी में बधाइयों का प्रोग्राम है, बधाइयाँ नाच गा के यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और ये हमेशा राजस्थान की परंपरा रही है कि हमारे घर में ये तो भगवान का जन्म है, बच्चे का भी जन्म होता है तो हम गीत गाते गा के खुशियाँ मनाते हैं। तो ये परंपरा है राजस्थान की और बहुत सुंदर तरीके से हर साल ये समाज यहाँ सभी बहनें आती है, गीत गाती है, नाचती है और कृष्ण जन्म का आनंद व्यक्त करती है। और इसके लिए मैं इन बहनों को भी बधाई देना चाहूँगी कृष्ण जन्म की। और हम सब यहाँ मेरे साथ रवि जी हैं, नीला जी, सभी लोगों की तरफ से इस पूरे समाज को ये संदेश जरूर देना चाहूँगी कि यहाँ राजस्थान समाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आइए हम भी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ बढ़े। इन बहनों को मेरा ये संदेश था आज। हाँ, मैं हर साल आती हूँ तो इन बहनों के साथ नाचती हूँ, आप पूछ लीजिए। अरे मैं भी राजस्थान हूँ, राजस्थान की परंपरा को जानती हूँ। और आपने बात कही कि आते हुए समय में मारवाड़ी समाज को जो राजस्थान समाज है कहीं मीरा भाईंदर एक मिनी राजस्थान के नाम से जाना जाता है, तो किस तरह से सपोर्ट रहेगा आनंद मनपा चुनाव में? देखिए, ये हमेशा यहाँ महाराष्ट्र में आने के बाद मैं राजस्थानी मैं गुजराती ये नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद हर एक समाज को प्राधान्य देने का प्रयत्न हर एक वरिष्ठ करते हैं, फैसला वरिष्ठ ही लेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि यहाँ के राजस्थानी समाज को भी एक अच्छा नेतृत्व का हम मौका दे सकें। जानते हैं कि हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी का कितना महत्व है, और आप देखेंगे कोरोना काल के बाद में ये पहला उत्सव है जो हमारा पूरा मीरा भाईंदर शहर भक्तिमय वातावरण के अंदर बड़े जोश और उल्लास के साथ में मना रहा है। कल से लेकर आज तक मैं देख रहा हूँ कि सभी हमारी माता बहनें, सभी हमारे नागरिक शहरवासी भगवान श्री कृष्ण के जन्म को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे गोविंदा पथकों ने सभी जगह गोविंदा की हमारी हंडियाँ लगाई, हंडियाँ फोड़ी, सभी लोगों ने रात को कृष्ण जन्म के अंदर गीत गाए, नाचे, सभी लोग अपना अपना भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और आज यहाँ पे राजपुरोहित समाज के माध्यम से भी हमारी माताएं बहनों का एक कार्यक्रम है, यहाँ पे भी माताएं हमारे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के गीत गा रही है, सभी को बधाई दे रही है। और अपने आप के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ पे वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित है, विशेष रूप से MLA गीता जैन मैडम भी आज हमारी माता और बहनों के साथ के अंदर कृष्ण भगवान के रंग के अंदर एकदम रंग के भक्तिमय वातावरण में लीन होके आज इन्होंने भी भगवान की धुनों पे आज डांस किया। अपने आप के अंदर बड़ा ही सुंदर वातावरण है यहाँ पे, मैं सभी को कृतज्ञ शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग राजस्थान की परंपरा के हिसाब से यहाँ त्यौहार को मनाते हैं मीरा भाईंदर में, और राजस्थानी वेशभूषा में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देखो, यहाँ मीरा भाईंदर मिनी राजस्थान के नाम से जाना जाता है और बड़ी ज़्यादा संख्या में हमारे राजस्थान भाई यहाँ मीरा भाईंदर में रहते हैं, और मैं सभी मीरा भाईंदर वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी की। मनपा चुनाव में हम यहाँ पर मीरा भाईंदर में लोगों की सेवा कर रहे हैं, कुछ मौका मिले तो ठीक है, नहीं तो हम सेवा हमेशा सेवा करते रहेंगे बीजेपी के। अच्छा, हर साल ये श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, इसका सबसे मेन उद्देश्य है धार्मिक जो हमारे आयोजन है वो सब लोगों तक पहुँचने चाहिए, और हमारी जो महिलाएँ हैं वो इस आयोजन का भरपूर आनंद उठाती है। सारे समाज की महिलाएं दो दिन के लिए एकजुट रहती है, ये हमारा दो दिन का प्रोग्राम रहता है और इसमें पूरा समाज एकजुट होकर इस कार्यक्रम का आनंद लेता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हम भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं और सबके लिए एक ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कृपा हमारे पूरे मीरा भाईंदर शहर पर बनी रहे, हमारे देश पर बनी रहे, हम सब में भाईचारा बना रहे और हम इसी तरह मिलजुल कर हमारे धार्मिक उत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी के सभी देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ, और जिस तरह से अभी
हमारे राजस्थान में कल्चर है कि 5-7 दिन तक बच्चा होता है तो उसका चालू रहता है, जन्मोत्सव मनाते रहते हैं। इसी तरह हम राजस्थानवासी 5-7 दिन तक इस उत्सव को मनाते रहते हैं। और इस उत्सव को मनाने के लिए मैं बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ में हमारे राजस्थान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुरेश जी है, वो जहाँ मैं रहती हूँ मीरा भाईंदर में, वहाँ पे 36 कौम के लोग रहते हैं और उस 36 कौम की सब लोगों की खुशी को देखते हुए जो 2 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, सिर्फ आज नहीं है ये प्रोग्राम, कल भी हो रहा था, और ये इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करने का काम हमारे राजस्थान प्रकोष्ठ के सुरेश जी कर रहे हैं और मैं उनसे के साथ ही जुड़ी हुई हूँ। और मैं महिला होने के नाते सभी बहनों से यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में जुड़ने की कोशिश करें। पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है कि अपने देश के लिए हित में है। और सुरेश जी का साथ दे पे अपने, पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये वेशभूषा सबसे बेहतर और सबसे अति सुंदर वेशभूषा है जो हम पहनते हैं राजस्थान में। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी तरफ से और हमारे पूरे समाज की तरफ से पूरे भारत देश को जन्माष्टमी की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो जन्माष्टमी का उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है मीरा भाईंदर में, जो 2 दिन से चल रहा है, वो सुरेश पुरोहित जी की वजह से चल रहा है और हम उनकी उनको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। ये जो महोत्सव मनाया जाता है राजस्थान में कितना दिन चलता है? ये 2 दिन चलता है, जिसमें पहले दिन हम कृष्ण जी को लाते हैं उनकी मूर्ति बना के, और दूसरे दिन फिर उनका विसर्जन किया जाता है।